ठीक है। इसकी मुझे सजेशन आई थी उस पे फेसबुक या फिर ले भाई स्टार्टअप सेल हो गया, क्लेवर डैश बॉट डॉट कॉम या ऐसी कुछ था, डॉट आईओ है या आई थिंक नहीं ये नहीं है। देख रहा फुल चैटबॉट की सर्विस। अब मैंने इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ वैसे, और एक है सर्विस जिसका नाम है फ्लो वाइज, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसी पे मैंने बताने वाला था कि एआई क्या होता है और इस पे मतलब किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये है प्लेटफॉर्म जिसपे ये टोटली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर वर्क करता है। अच्छा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मैंने लास्ट में बताया था ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। हाँ भाई उन्हें चैट जीपीटी मास्टर क्या होता है भाई, मुंह से बोलना है मुझे थोड़ी देखना है। अच्छा भाई ये कैप वाले के क्या नाम है पीछे, हाँ एलएलएम क्या होता है, गूगल बाद में करना। हाँ आ गया होगा अब तक तो, रिस्पॉन्स देख के बता दो। क्या 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 बोले, लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो भी यही कह रहे किसी को नहीं पता लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, अभी से लगा दिए पैशनेट चैटबॉट डेवलपर। हाँ ओ भाई डिक्टेशन, ये स्कूल में टीचर नहीं खड़ा करवा देती है बेटा यहाँ इसके बाद से पढ़ो, ये अभी तक स्कूल में। हाँ हाँ भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोल रहे। हाँ इसका उर्दू बताओ क्या कह रहे हैं, भाई इन शॉर्ट समझ लो कि आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, जितने भी डेटा आपके पास राइट नाउ पड़ा हुआ है उसके बिहाफ पे आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये कॉन्टेक्स्टुअल बेस्ड एआई मॉडल है, जनरेटिव एआई मॉडल है। चैट जीपीटी भी क्या है, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है चैट जीपीटी के कुछ मॉडल जैसे 3.5 टर्बो है, इससे पहले टेक्स्ट डिवेंची था, तो ये सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं जिसके ऊपर आपका सारा डेटा मौजूद है, जिसके ऊपर डेटा ट्रेन हुआ है। इन शॉर्ट जितने भी डेटा है ना मतलब अब तक से लेके सितंबर 2021 तक, तो एक मॉडल उसने बना दिया जिसका नाम रख दिया क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी है तो हमें ये लैंग चेन और इस तरह की सर्विसेज की क्या जरूरत पड़ी, हम डायरेक्टली चैट जीपीटी क्यों यूज करें। 2021 तक का डेटा है, उसके बाद दुनिया खत्म हो गई, उसके बाद के जो स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद के जो डेटा है, उसके बाद के जो जितने भी अपडेट्स हैं उसको तो ट्रेन करना पड़ेगा ना, तो वहां पर स्पेसिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसा ऐसा चैट जीपीटी अपडेट तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए लेट से बनाना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद के बनाए हुए यूज करते हैं। तो जैसे लैंग चेन हो गया, ये क्या है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस तरीके से LLMA2 करके मेटा का है आई थिंक, LLMA लामा, हाँ ऐसी कुछ है, हाँ ऐसी बकरी टाइप की कुछ उन्होंने वो बनाई हुई है लोगों ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है तो LLMA2 ये मेटा का है और इसकी मैं रिसेंटली एक अपडेट देख रहा था, इन्होंने ना वॉइसेस के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है बड़ा जबरदस्त ना। आप एक ही मैसेज देते हो वॉइस पे और वो क्या हो जाता है मल्टीपल मल्टीपल जो कंट्रीज की लैंग्वेज, जैसे जापानीज हो गया, आपने उर्दू में कहा कि भाई मेरा नाम, आपने आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया और आप उसी को चाहते हो कन्वर्ट करना है जापानीज में, पश्तो में, चाइनीज में, किसी में, वट एवर, तो वो क्या कर देगा उसी पर्टिकुलर डेटा सेट्स को विद इन अ सेकेंड कन्वर्ट कर देगा किसी डिफरेंट प्रोग्रामिंग के, डिफरेंट जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट होता है
तो मैं देख नहीं वो उसमें इसका जो है ना ये है जनरेटिव एआई बेस्ड ना, और इसके ऊपर अच्छा इसके क्योंकि मेटा का प्रोडक्ट है इसके ऊपर लाइक इसकी सेंसिबिलिटी, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वॉइसेस में ना स्पेशली एनएलपी में, उसको कहते हैं हम यार मैं भूल गया, वो कहते हैं ना मुंह में आ रहा है जहन में आ रहा है मुंह में नहीं आ रही बात, उसका नाम है खैर। उसमें क्या होता है आप जो टोन होता है ना आपके वॉइस का उसको डिटेक्ट करता है, डाली तो वो तो इमेज के लिए ना, विस्पर भी, विस्पर एआई तो उसका है जनरेटिव एआई का है। मैं उसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि कह लें आप टेम्परेचर जैसे था ना हमारा, उसका जनरेटिव एआई में मैंने बताया था टेम्परेचर क्या करता है, वो आपके वर्ड्स के टोन को क्या करता है सेट करता है कि जो टोन है आपका इस तरह का होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास जो वॉइसेज में होता है ना, वॉइसेज में भी किसी का टोन इफेक्टिव होता है, किसी का टोन गुस्से वाला होता है, तो वो उसको क्या करता है मैनेज करता है पिच। हाँ एग्जैक्टली पिच, तो वो क्या करता है पिच जो है ना आपकी वॉइस की, वो उसको गैदर करके वो क्या कहते हैं कंट्रोल करके आपको रिस्पॉन्ड करता है। मैं देखता हूँ यार इसमें ना एक ऑप्शन था, मुझे वो चीज दिखानी थी आप लोगों को। सही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ में आ गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम किसे कहते हैं। ब्लॉग रिसोर्सेस मैं ना ये URL शेयर करूंगा ग्रुप में। खैर मैं इसका बता रहा था लैंग चेन के बारे में, तो लैंग चेन क्या है, ये एक ओपन सोर्स मॉडल है जो कि आपके अपने डेटा के ऊपर या लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करके। अब आप कह रहे हो कि भाई किसी एक क्लाइंट को चाहिए चैटबॉट, वो कह रहा है कि भाई मुझे 10 मिनट में बना कर दो, सरानी की सरानी का AI असिस्टेंट 10 मिनट में बना सकते हो इतना सारा डेटा है। चैट बेस, चलो यार चैट बेस देख रहा था, मैंने कभी देखा नहीं है चैट बेस, तो आया मुझे सुनो ये कस्टम प्रॉम्प्ट आई थिंक। हाँ यार मैंने देखा ये इसका नीचे इस यार ये अभी फिर मजा नहीं आएगा ये। अच्छा ये जो तुम कह रहे हो ना एग्जैक्टली ये काम भी वही यही करता है, और यहाँ पर ये फायदा है आप इससे पैसे बना सकते हो। इससे ज्यादा आसान ये चीज है और इससे ज्यादा वर्ड, और उस क्लाइंट को बाद में पे करना पड़ेगा ये, ऐसा ही है। तुम वहां पे क्लाइंट को बना सकते हो, भाई मैं ऐसा टूल बनाऊंगा आपको एक रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो और खुश हो जाएगा। आप उसको सब्सक्रिप्शन पर रिक्वेस्ट मैसेज पे चार्ज कर रहा होगा, लेट्स सी देखते हैं क्या है इसकी प्राइसिंग। ये देखो इतने कैरेक्टर्स देगा तो फिर ये होगा ठीक है, तो ये देखो ना ये इसकी ये कितने $19 पर मंथ चार्ज कर रहा है, लेकिन कुछ कस्टम इंटीग्रेशन भी दे रहा है तो अच्छा है, मतलब सही है। व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन भी कमिंग सून है, सही है, अच्छी चीज है, लेकिन फिर हमारे पास $19 नहीं है ना, सारा मत सही। तो एग्जैक्टली ये जो तुम बता रहे हो ना फ्लो वाइज भी यही करता है, फ्लो वाइज के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं, अभी मैं इस वजह से नहीं दिखा रहा कि वो मजा खराब हो जाएगा। हाउ इट्स वर्क में आकर ये देखो, ये सिंपली इस तरह से बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी ये होता है।
अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये बताता हूँ कि किस तरह से होता है, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये अगर आप जब बना लेते हो ना, फिर आप क्लाइंट को आराम से ये अपनी खुद की सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये मेरी अपनी खुद की डोमेन जो मेरी कंपनी की डोमेन होस्टिंग है उस पर हमने डिप्लॉय किया भाई, ये AWS पे चल रहा है। डिप्लॉयमेंट इसकी पेड है, लोकल पे आप चला सकते हो, अपने लोकल पे जो है ना, लोकल मशीन पे उसको चला सकते हैं, लेकिन इसको डिप्लॉय करता मैंने AWS का मुझे तकरीबन $30,000 मिला हुआ है। मैंने खरीदा नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा स्टार्टअप इनको बेट है, उन्होंने मतलब ये ऑलमोस्ट $30,000 की क्रेडिट है उसमें फॉर अराउंड 1 ईयर या मे बी पॉसिबल इतनी पीरियड के, तो हम उसी को यूज करें AWS को। बिल्कुल, वो तो आपने बना दिया टेलीग्राम पे, अभी भी आप पूछेंगे, एक साल बाद भी पूछेंगे ना, वो जवाब देगा बंद नहीं। डायलॉग फ्लो में वो चीज फ्री है, आपने डायलॉग फ्लो से इंटीग्रेट किया था ना, हाँ एग्जैक्टली, डायलॉग फ्लो से अगर आपने इंटीग्रेट किया ना, वो ता हयात तक रहेगा, अंटिल एंड अनलेस डायलॉग फ्लो का सर्वर उड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वरना आप ता हयात तक रहेगा। नहीं समझा मैं आपके बारे में, बिल्कुल इसी यहीं पे तो डेवलपर्स पैसे कमाते हैं, यहीं पे तो आप लोगों का की पॉइंट है। एक चीज अगर आप, मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 10,000 रुपए में आपका जिंदगी भर का खाना हो जाएगा, खाना तो आपको रोज दिन में 3 टाइम खाना है, आपको आप कॉस्ट निकालोगे डेट से भाई मैं इतने साल जीऊंगा, एक एवरेज कॉस्ट निकालते 35-40 साल एक बंदा जी रहा है, उस हिसाब से आप लगाओगे 10,000 रुपये आप फौरन ले लोगे। अब ये उसी को बोलोगे यार मैं ये चीज 1,000 रुपये में बना रहा हूँ, लेकिन रोज आपको ना मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे आपकी, आप वहाँ पे आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे यार रोज 100 रुपये और ये कॉस्ट बताओगे ना, तो वो मे बी पॉसिबल ले लेगा। तो डेवलपर्स का भी यही कॉन्सेप्ट है, कोशिश करो उन चीजों के ऊपर जाओ जिसपे डेवलप पैसे कुछ, मतलब यानी कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जब से स्टार्ट किया मैंने यही चीज देखी कि डेफिनेशन ऑफ मनी जो है ना, पैसे की डेफिनेशन क्या है कौन बताएगा, पैसे की डेफिनेशन क्या है, पैसा आप लोग क्यों कमाते हो? अरे भाई वो तुम वही क्या क्या नाम है वो वाली फीलिंग आ रही है, नहीं मैं गरीब हूँ वाली नहीं, मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन, वो चीज तो है। देखो जरूरियात पूरी होना इस लाइक वो है, लेकिन एक होती ना डेफिनेशन, ये तो जरूरियात पूरी होना बोलेगा गोरे क्या बोले यार, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है किसी भी चीज की। अब तुम अपने आप को किस तरह डिफाइन करोगे? You want for any things, हाँ नहीं नहीं कंटिन्यू करो मजा आ रहा है। यार मैं ट्रांसक्राइबर ढूंढता हूँ वाला Meta 2 वाला। नहीं देखो अच्छा बोला है, देखो कम से कम कोशिश की इसने। कहाँ पर? GitHub पे? चलो मैं देख लूंगा भाई। डेफिनेशन ऑफ मनी इज टोटली लाइक मनी इज नथिंग जस्ट एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यूज एक्सचेंज करना। कैसे? एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, आप 10 रुपए देते हो, आपको एक बिस्किट मिल जाता है, आपने क्या किया? एक्सचेंज किया, एक वैल्यू आपने, मतलब वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नोट या इन द फॉर्म ऑफ एनी करेंसी आपने दिया, और उसके ऊपर कोई एक वैल्यू ली। तो इस दौर में आपने क्या करना है, पैसे वाला नहीं बनना है, वैल्यूएबल बनना है। जब आप वैल्यूएबल बन जाओगे ना, पैसे आपके पास ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो कोशिश करो कि वैल्यूएबल बनो, ये नहीं कि यार
देख अभी इस एज से ये सोचना शुरू करोगे यार जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर एट दी एंड जरूरियात आप फिर उसी हिसाब से सोचोगे ना। अगर आप फिर क्या करेगा आपके क्या दिमाग में चलेगा, लेट से आपके आपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ा, आपके पास लेट से 2 लाख रुपए आ गए, अब आप चिल करोगे वो 2 लाख रुपए आ गए बस आगे छोड़ दो, मतलब अगले एक महीने तक काम ही नहीं करूंगा मैं, फिर जब खत्म हो जाएंगे फिर, ऐसा नहीं सोचा कभी भी। आपने क्या करना है अपने आप को एक मतलब अभी इस एज से ये चीज सोचना शुरू करोगे ना यार मुझे वैल्यूएबल बनना है, तो आप एट दी एंड अलग अलग अब फिर उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे, आपको उसी हिसाब से चीजें फेस करनी पड़ेंगी। एक नॉर्मल बंदे के अब जैसे मैं जब जॉब कर रहा था मुझे उतनी इश्यूज नहीं थे उसमें, मैं बोलता था यार सुबह 6 बजे मतलब सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे ऑफिस जाओ, फिर 7 बजे घर आओ, मतलब क्या लाइफ है। अब उससे ज्यादा बर्डन अभी है क्योंकि आप जब होते ना कि डेवलपमेंट फेज भी आपके साथ है, फिर लर्निंग भी साथ साथ चल रही हो, आप तो वही होता है कि आप अपने पास्ट को हमेशा याद करोगे यार ये वक्त अच्छा था, ये वक्त अच्छा था, तो ऐसा चलता रहता है लाइफ में। तो अभी से आप ये चीज सोचना शुरू करो कि भाई किसी भी तरह से या कोई ऐसा वे निकालो कि भाई आपको वैल्यूएबल बनना, ऑटोमेटिकली पैसे बनना। अच्छा वैल्यूएबल इन सेंस लाइक वो नहीं आप छोटे छोटे डॉन बना लो गली के कोने में, जब भी आप गली से निकलो सलाम साहब, ऐसा वाला सीन नहीं हो। वैल्यूएबल इन सेंस ऑफ लाइक एक प्रॉप एक नाम हो, एक मतलब नाम भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी इत्मीनान में रहो कि यार, क्योंकि खुद की सेटिस्फेक्शन से ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। इस दौर में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइक मिलियन बिलियन अर्न कर रहे होंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उनकी लाइफ में, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन जब तक आपकी लाइफ में अचीव नहीं होगी ना तब तक आप टेंशन में रहोगे फॉर एनी सेंस लाइक नॉट जस्ट लाइक, क्योंकि पैसे अभी से इस एज में जैसे टीन एज होता है ना आपको लगता है कि यार पैसे ही सब कुछ है, लेकिन जब आप बड़े हो गए जब आप कोई एक सर्टेन एज पे आओगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि लाइक फैमिली भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत आपकी खुद की जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि खुद की इनर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा वो करती है। तो ये छोटी मोटी चीजें बाहर अभी आपको महसूस नहीं होंगी, अभी आपको लग रहा होगा यार बस पैसे पैसे पैसे, लेकिन जब आप एक सर्टेन एज पे आओगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि यार पैसे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए ये वही होता है कि जब आप एज से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी एज से पहले चीजें देख ली, मुझे ऐसा रियलाइज होता है। एग्जैक्टली ये मैच्योरिटी एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि मैच्योरिटी। अच्छा लोग ये समझते हैं कि यार 18 का हो गया तो मैच्योरिटी आ जाएगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे कि यार वो बच्चों के साथ खेलना बुरी बात नहीं होती, मतलब एक वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं भी खेलता हूँ कभी कभी गली में क्रिकेट वगैरह, तो एक वो होता है ना कि आपकी एक डेजिग्नेशन होती है आपसे आपके छोटे जब हो ना तो आपके साथ वो नहीं आपके साथ ही हाड़ौड़ी कर रहे हो आपको ही, खैर मैं मीटिंग को चल रही है तो मतलब आप समझे, तो ये चीजें नहीं हो आपकी जब आप होते ना तो एक आपकी डेजिग्नेशन बनती है कि आप बड़े हैं, एक आपकी एक रुतबा होता है, तो इस तरह की चीजें। अच्छा आप एनवायरमेंट में भी ऐसे अवॉइड करो जहां पर आपको लगता है कि यार मेरी मतलब यानी कि वहां पर नहीं बन रही है, वो कहते हैं ना मैन नोज द कंपनी हुई कीप्स, तो एग्जैक्टली यही चीज है कि आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो या ऐसे फ्रेंडशिप जोन को ज्वाइन करो जिसपे आपकी ग्रोथ हो, साथ साथ हंसी मजाक भी हो और साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हो कि आपको कुछ सीखने को मिले, तो ये बड़ा बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी इस एज से ये चीजों के ऊपर फोकस करोगे ना तो आगे जाके इंशाल्लाह मजीद मतलब नॉट जस्ट सेंस लाइक क्योंकि हर एज में आपको पैसा आ जाए कुछ भी आ जाए ना एट दी एंड आपको मेंटोरशिप की कमी, लेट से आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया आपके पास 10 लाख रुपए आ गए लेट से, अब आप सोच रहे हो कि उस 10 लाख का क्या करूं, अगर उस टाइम पे आपके पास करेक्ट मेंटोरशिप नहीं है ना आप वहां पे घूम जाओगे या तो आप उड़ा दोगे, आपने वही बाइक ले ली, आपने घर गाड़ी ले ली, घर तो नहीं ले सकते 10 लाख में, खैर तो आपने कुछ इस तरह से मतलब पैसे उड़ा लिया, न्यू आईफोन आया वही आईफोन 15 ले लिया, कितने का भाई 10 लाख है, अच्छा मेरे पास कितने 9.5 लाख रुपए का, 10 लाख तो मेरे पास पड़े हुए, अच्छा 50,000 बचेंगे, 50,000 की कुछ और चीज ले लेंगे, तो इस तरह से मतलब आपकी मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी बहुत सारे मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई मतलब तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मतलब दिखते क्यों नहीं है,
मैं बोलता हूँ भाई हर चीज आप अभी से इन्वेस्टमेंट या इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करो कि यार किसी एक चीज के अच्छा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि फॉर टाइम मतलब आप ऐसी चीजों जरूरी नहीं कि पैसे इन्वेस्ट करना जैसे घर ले लिया या कुछ ले लिया कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर के वो आप प्रोडक्ट्स बनाओ कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिससे 10x आपको दिख रहा है कि यार इसका 10x हो सकता है तो इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करो। आई थिंक मैंने बहुत दे दिया मंजन आज तो